अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। सो व्लॉग की स्टोरी, ये जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये तो मैं गांव से वापस आने के बाद ही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा समझें कि मज़ा आया था। और जिस दिन की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दिन भी बहुत अच्छा गुजरा था। यू नो, तैयारी कर रहे थे हम कराची तो वापस आ गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल अभी वहीं पर ही है। लंबे सफ़र की ये अच्छी चीज़ होती है, कभी आपको हरियाली दिखती है, कभी खेत दिखते हैं, कभी झोपड़ियाँ नज़र आती है, तो कभी पक्के घर नज़र आते हैं, और कभी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती है, तो कभी प्लाजा नज़र आ रहे होते हैं, और कभी आबादी आती है, तो कभी बिल्कुल वीरान जंगल भी आते हैं, उसके बीच में रोड होता है, आप चल रहे होते हैं। तो ये जो लंबे सफ़र का हुस्न है, ये सारी चीज़ें आपको लंबे सफ़र में मिलेंगी, और ये एक अच्छी चीज़ें हैं। बाय द वे, तो हमारी जर्नी शुरू होती है कुछ यूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी हसलर्स। तो पिछला व्लॉग आपने देखा, पिछली वीडियो जिसमें हम गांव जाने की प्लानिंग कर रहे थे और पैकिंग कर रहे थे, तो टुडे वी आर गोइंग। मैंने सस्ती एक्टिंग की थी उसमें, हाँ, जिसमें भाई साहब ने सस्ती एक्टिंग की थी। और अभी हम जा रहे हैं खैरपुर मीरस, जो कि हमारा गाँव है, आबाई गाँव। हाँ, तो अभी हो रहे हैं 9:45 और हमें निकलना है गाड़ी में, यानी कोच में 10:30 बजे। ओके, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, तो मिलते हैं डायरेक्ट बस में। बस की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, हमें बहुत मज़ा आया उस बस में। ये मैंने पिछले व्लॉग 2021 की दिसंबर व्लॉग में भी बोला था, कॉन्सिडेंस देख रहे हो। उसके बाद हम दो दफ़ा विलेज जा चुके हैं, लेकिन वैसी बस नहीं मिली। लेकिन इस बार इन सर्दियों में हमें LED वाली बस मिल गई। कि ज़माना ये भला है और जरा हमें मिला है, थोड़ी दूर जो चला है वो भी आदमी भला था, पता था जरा बस खफा था वो भट गया। तो हम बस में बैठे रहे 1-2 बजे तक, और अचानक हमें नींद आ गई, और LED चल रही थी, हम देख रहे थे, फिर नींद आ गई, और फिर हमारी आंख खुली एक बस स्टॉप पे, मोरो। मोरो इज अ ब्यूटीफुल सिटी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव। ब्रो, जियोग्राफी सोशल स्टडीज नहीं पढ़ रहे, आगे चलो। अच्छा, तो बस में AC चल रहा था, बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी लग रही थी हमें। जब तक हम बाहर नहीं निकले तो सर्दी थी ना जो भाई, कानों में लग रही थी। हाँ, कानों में लग रही थी। वहाँ हमने देखे देसी उबले हुए अंडे, तो हसनैन ने कहा भाई बॉइल्ड एग खाओगे? तो मैंने कहा व्हाई नॉट। सो बेसिकली वी आर एट मोरो स्टॉप, तो कब से वीडियो नहीं बन रही यार, अभी अचानक यहाँ से आके सर्दी लग रही है, वैसे इतनी सर्दी है नहीं। सो अंडे एंजॉय कर रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। भाई ये इसको तोड़ने का तरीका सीख ले, यूं करो चिड़की उतरेंगे और एंजॉय करो बस। देसी अंडे, देसी अंडे। तो अंडे खाने के बाद हमने कर ली अपनी आंखें बंद और हम सो गए। जैसे ही आंख खुली, सुबह है, बहारा का मंजर और ठंड, धुंध और ये मोंटाज। खड़ी नींब के नीचे हूँ तो है कली,
जातुडू पकाडू माना छनी मनी देख ले बमरिया एक जा तोड़ो पकाड़ू माना छनी मनी देख ले ना पूछा चल बमरिया एक जा तोड़ो पकाड़ू माना छनी मनी देख ले खड़ी नींद के नीचे खड़ी नींद के नीचे हूँ तो एक जा तोड़ो पकाड़ू माना छनी मनी। तो आखिरकार कहीं हमने पक्के घर देखे, कहीं कच्चे घर देखे, कहीं दरिया देखी, कहीं सैलाब वाला पानी अभी तक खेतों में खड़ा हुआ था वो देखा, और ये देखते देखते हम पहुंच गए अपनी मंजिल के जाने। अस्सलाम वालेकुम या सरजमीन हैर को तो हम पहुंचे टंडो मस्ती फेजवा खेरपुर। तो वहाँ हम एक होटल में गए, हाईवे पे था जो, तो भी हम चाय पी। तो वहाँ हमने एक बेहतरीन किस्म की चाय पी और चाय के साथ पराठे, वो मज़ा। चाय पराठे खा लिए, आगे बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, पराठों का अलग ही मजा था भाई, जो बात है। आए बहुत देर से थे, एक घंटे तक हम बैठे रहे, पता नहीं क्या ही खिचड़ी पका रहे थे होटल वाले, लेकिन मिल गए हमें चाय पराठे। तो चाय पराठे खा के चल दिए हम अपने मंजिल की जानिब, यानी गोट वड़ा पहार। तो आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ही आ रही होगी। तो ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर दो यार। तो भाई अगर हम होटल की बात करें तो वो कोई बलोच होटल था जहाँ हमने चाय पराठा खाया। यार टू बी ऑनेस्ट, चाय इनकी ओके ओके थी लेकिन पराठा ज़बरदस्त था। लेकिन भाई मिसमैनेजमेंट बहुत थी भाई, दूध कहीं से आ रहा है, यानी बहुत देर से दूध आ रहा है। आप एक हाईवे पे बैठे हो, 24 घंटे गाड़ियाँ आती हैं, 24 घंटे पैसेंजर्स उतरते हैं, तो आपको रेडी रहना चाहिए 24 घंटों के लिए। नहीं भाई, कोई सामान ही नहीं है, इतनी देर, डेढ़ घंटा लगा था हमें वेट करने में, ऊपर से हमारा ड्राइवर और वेट कर रहा था बेचारा। और उस हमें जाना था अपने गांव वोटा पहार, वहाँ भी कोई 15 आधे घंटे का रास्ता है टंडो बस्ती में, क्योंकि हमारा गांव थोड़ा अंदर की तरफ है ना, बीच में बहुत सारे गांव आते हैं। और आपने ये वीडियो देखी, सफ़र की वीडियो है, उम्मीद है पसंद आई होगी। इसके बाद एक दूसरी वीडियो है कि जो मंजर था कि हमारी गाँव की छत जो बैठ गई थी, गिरी थी या मुनदम हो गई थी, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो आ जाएगी। तो इसके बाद वीडियो आएगी, वो देखिएगा, जो एक सर्वाइवर थे, एक आदमी है जिन्होंने उसमें सर्वाइव किया था, या उसको गाजी, आप उनको गाजी भी कह सकते हैं, वो मस्जिद के हादसे में उन्होंने सर्वाइव किया था, उनकी कहानी सुनिएगा आप। तो भाई बहुत इमोशनल स्टोरी है, आप पूरी सुनिएगा। और इसके अलावा हम जब आ रहे थे तो हमें हमारे ड्राइवर ने भी एक स्टोरी सुनाई थी ये बारिश के दिनों की, तो वो भी मैं आपको स्टूडियो में सुनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर दीजिए जैसा कि हसीब ने कहा आपको, ताकि आप ये पूरी सीरीज़ मिस ना कीजिएगा। इसके बाद भी 4-5-6-7 वीडियोस आ जाएंगी, ऐसा उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ऐड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।